सत्तेत येयले जाल्यार 300 युनिट मुफत वीज दितले. आम आदमी पक्षाचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान बुधवारा परत एक फावट आश्वासन दिले. फाटले बिलांची वीज माफी दितले, 24 वरां वीज आसतली आनी तेच बरोबर शेतकारांक शेता खातीर मुफत वीज मेळटली हेची हमी ताणें दिल्या. वादाचे फाटभुंयेर आपाचो फुडारी आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयलो आनी भर पावसांत आश्वासनांचो शिवोर घालून गेलो. शेतकारांक मुफ्त वीज ही ताची व्हडली घोशणा. गोंयांक कितें जाय ते दिवपाचो यत्न करतले. फुडले खेपे परत आश्वासनासयत येवपाचें ताणें उतरय दिलें. आपाचे फुडारी काल सावन गोंयांत आसात. तांणी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतली, तशेंच कांय लोकांक पक्षांत आस्पावन घेतले. गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया. तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिल सकती है तो गोवा में पावर कट क्यों लगते हैं? पिछले एक साल से लोगों के बीच में घूम घूम के पता चला कि लोग बिजली की वजह से बहुत परेशान हैं, बिजली के खूब पावर कट लग रहे हैं. कल शाम को मैं कुछ लोगों के साथ डिनर पे बैठा था, वो ही बता रहे थे, बोले इतने पावर कट लगने लगे हैं दैट वी आर रियली फेड अप. और उन्होंने बताया दैट गोवा इज अ पावर सरप्लस स्टेट. गोवा के पास पावर की कमी नहीं है, पावर है फिर भी बिजली नहीं आती. क्यों नहीं आती बिजली? लोगों के बीच में गए, लोगों ने बताया बिजली बहुत महंगी है, बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के, लोग पे नहीं कर पा रहे. और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, तो अब अपने बिजली के बिल कैसे देंगे? वो लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं. लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से पुराने गलत सलत बिल आए हुए हैं, उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं, कोई ठीक नहीं करता, ठीक करने के पैसे मांगते हैं. उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूं. मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी. हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था. हमारा चुनावी जुमला नहीं है. केजरीवाल जो कहता है वो करता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है. तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं. सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा. आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमएलए आपका बिल नहीं भरेगा, आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड 0. दिल्ली में हो रहा है. एंड आफ्टर टुडेज अनाउंसमेंट, वंस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, वंस दिस अनाउंसमेंट इज इंप्लीमेंटेड, 87% ऑफ गोवा विल स्टार्ट गेटिंग 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल. बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं, किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे. अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है. तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे. तीसरी चीज, तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे, नो पावर कट. और चौथी चीज, चौथी बात, किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे. किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी. खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी. तो ये 4 बातों की गारंटी, मेरी पहली गारंटी बिजली के क्षेत्र में. अगले महीने फिर आऊंगा आपके बीच में,
तब तक हम घूम घूम के गोवा के लोगों के बीच से कलेक्ट करेंगे कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए।